नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। कुपवाड़ा में शहीद हुआ कुशीनगर का लाल, प्राकृतिक आपदा ही बनी जियो जवान की मौत का कारण। जी हां, कुशीनगर के एक जवान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन में दबने से मौत हो गई। मौत की खबर की सूचना परिवारजनों को मिलते ही घर परिवार सहित पूरे गाँव में कोहराम मच गया और चारों तरफ मातम छा गया। सेवरही थाना क्षेत्र के दुमही गांव निवासी राम बल्लम चौरसिया का छोटा बेटा चंद्रभान उम्र 27 वर्ष जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में 45 आरआर बटालियन में तैनात था। हिमस्खलन के कारण बर्फ में दबने से चार जवान शहीद हुए, उसमें चंद्रभान भी शामिल था। चंद्रभान चौरसिया वर्ष 2015 में आर्मी के मेडिकल कोर में चयनित हुआ था। चंद्रभान नवंबर 2019 में छुट्टी से लौटकर कुपवाड़ा में ड्यूटी करने गया था। इस घटना के बाद सेना के मेजर ने फोन कर उसके पिता राम बल्लम को बताया कि ड्यूटी तैनाती के दौरान हिमस्खलन में दबकर चंद्रभान की मौत हो गई है। इस खबर को सुनते ही हंसता खेलता हुआ परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेना में तैनाती के एक साल बाद 2016 में चंद्रभान की बिहार प्रांत के कटिया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार निवासी त्रिवेणी चौरसिया की इकलौती बेटी पिंकी से शादी हुई और इन दोनों से आर्यन और आयुष दो बेटे पैदा हुए। पिता राम बल्लम का सहारा छीन जाने से रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पत्नी पिंकी रोते रोते बेहोश हो जा रही है। 3 वर्षीय बेटा आर्यन व 1 वर्षीय बेटा आयुष लोगों की तरफ देख रहे थे। परिवारीजनों के चीख पुकार से हर किसी का कलेजा दहल जा रहा था। राम बल्लम का एक छोटा परिवार है। बड़ा बेटा उदयभान मद्रास में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पिता मध्य प्रदेश में कोयला खदान में काम कर सेवानिवृत्त हुए हैं। छोटा बेटे से परिवार को काफ़ी उम्मीदें थी। मिलनसार चंद्रभान पूरे गांव का प्यारा था। उसकी मौत ने पूरे गाँव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शहीद चंद्रभान चौरसिया का शव सेना के एक विशेष टुकड़ी के द्वारा उसके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां पर अनेकों प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों सहित हजारों ग्रामीणों की समूह ने चंद्रभान की शव यात्रा में शामिल होकर उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट।